सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार स्टूडेंट्स, ये सेकंड वीडियो रहेगा हमारा बेसिक को वॉइस लेक्चर नंबर 2, जिसमें फॉर्मेट को कैसे बनाया जाता है वो मैं सिखाऊंगा। पहले मैंने आपको बता दिया था प्रेजेंट डेफिनिट के बारे में और मेन टॉपिक्स वहीं खत्म हो गया था सारा का सारा, बट फिर भी एक फॉर्मेलिटी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ दोबारा से कि जब भी हमें वॉइस का मतलब है कि वॉइस की रिक्वायरमेंट है पैसिव वॉइस की, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी होगी? ये वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी जो एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब है, ठीक। और वर्ब की थर्ड फॉर्म की वीकनेस हमेशा क्या आएगी, उसका हमेशा क्या यूज़ किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, बिना हेल्पिंग वर्ब के वो यूज़ नहीं हो सकता। ये भी बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। प्रेजेंट डेफिनिट तक हमने कर लिया था, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। आई एम टीचिंग लिखा हुआ है, ठीक। अब मुझे इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। इनएक्टिव पार्ट क्या आ गया? यू यहाँ आ जाएगा। किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है? बाय मी। ये बाय प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि बाय प्लस एजेंट आ गया, इसके द्वारा काम किया जा रहा है। मेन वर्ब क्या है? टीचिंग। मेन वर्ब हमेशा कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट होगी? जल्दी बता दो, थर्ड फॉर्म। बहुत अच्छे। टीचिंग का क्या कर दूं? टॉट। यू के अकॉर्डिंग क्या लगा दिया? आर। प्रेजेंट दिखाना है यू की। अब यहाँ पर दो ही वर्ब थी, दोनों मैंने यूज कर ली। मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे आई अकॉर्डिंग एम था, यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग आर लगा दिया। और मुझे चाहिए कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आए थे। तो जैसा कि हमने पहली वर्ब वीडियो में देखा था कि जब भी हमारे पास वर्ब नहीं होगी तो हम किसका यूज करेंगे? बी का फॉर्म का यूज करेंगे। फर्स्ट फॉर्म की रिक्वायरमेंट है बी आ जाएगा। ING फॉर्म की रिक्वायरमेंट है बीइंग आ जाएगा। थर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट है तो बीइंग आ जाएगा। तो अब मुझे ING वाली फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं लिखूं यहाँ पे यू आर बीइंग टॉट बाय मी। तुम मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हो, ये इसका मतलब है। बचपन से हमने फॉर्मूला रटा हुआ है, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आपके लिए। प्रेजेंट का फॉर्मूला है सब्जेक्ट इज एम आर, वर्क की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यह आपका एक्टिव वॉइस बना। इसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा? पीवी यानी कि पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का इज एम आर बीइंग प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म। क्यों यूज किया बीइंग प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म? वो आपके सामने रीजन आ गया, याद करने की आपको उसको जरूरत कदे नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, वी ऑल वर प्लेइंग क्रिकेट, पास्ट टेंस है गोइंग ऑन का। इनएक्टिव में अगर कन्वर्ट करता हूं तो इनएक्टिव पार्ट आ जाएगा क्रिकेट यानी कि पैसिव है। किसके द्वारा प्ले किया जाता है? बाय ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस, ठीक। अब प्लेइंग का थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा? प्लेड। क्रिकेट अकॉर्डिंग क्या आ गया? वॉज। पास्ट में कन्वर्ट करना, इसलिए वॉज है। प्रेजेंट होता तो मैं अकॉर्डिंगली इज लगा देता। उसके बाद मुझे किसकी रिक्वायरमेंट थी? आई एन जी वर्ब की। नहीं थी तो क्या लगा देंगे यहाँ पे? बीन। क्रिकेट वॉज बींग प्लेड बाय ऑल ऑफ अस, यहाँ पे एक्सप्रेशन बन गया, ठीक। थर्ड सेंटेंस, अब बच्चों इसको आप ध्यान समझोगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यूएबल है आपके लिए। ये गड़बड़ करेगा उनके लिए जो रट्टा मार के बैठे हुए हैं, लेकिन जिनको कॉन्सेप्ट आता है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर। She will be watching TV. इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना मैं करता हूँ। TV ऑब्जेक्ट था इनएक्टिव, बाय हर उसके द्वारा किया जाएगा। वॉचिंग मेन वर्ब था, कन्वर्ट करते हैं वॉच में, मेन वर्ब आ गया। अब यहाँ पे शी अकॉर्डिंग विल हो गया तो टीवी अकॉर्डिंग विल आएगा, ठीक। अब मैं क्या करूँ? अगर मैं कॉन्टिन्यूस बनाना चाहता हूँ सेंटेंस को तो मेरे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चाहिए ing, बींग बन जाएगा उसके लिए। तो अगर मैं यहाँ पे बींग लगा दूंगा टीवी विल बींग वॉच्ड बाय हर, तो ये असंभव है क्योंकि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। आईएनजी यूज नहीं कर सकते तो ये आईएनजी तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक। अगर मैं लिखता हूँ टीवी विल बी वॉच्ड बाय हर तो ये सही तो हो जाएगा, लेकिन ये जो पैसिव वॉइस बनेगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा। कॉन्टिन्यूस के लिए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी चाहिए। टीवी विल बी वॉच्ड बाय हर का मतलब होगा शी विल वॉच द टीवी। She will be watching the TV के लिए मुझे watching जैसा अबव चाहिए ing form में। अब मैं be लगा रहा हूँ तो वापस fulfill नहीं हो पा रहा, being लगा रहा तो वो बिल्कुल blunder हो रहा है। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये बन रहा है कि जो future continuous tense है ना इस format का will be plus watching का, मुझे formatting नहीं मिल पा रहा है। और अगर format नहीं मिल पा रहा है तो बच्चों no voice, no passive voice, आप इसका passive voice बना ही नहीं सकते, exist ही नहीं करता। अब इसको रट लो आप, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं करता, ऐसे रट लो आप, ये आप समझ लो। अगर आपने समझ लिया ना, देखो बच्चों आप मरते दम तक भी ना ये आपके साथ रहेगा, आप पॉसिबल ही नहीं है कि इसमें आप कंफ्यूजन हो जाएगा क्रिएट। आपको साफ साफ दिखेगा अरे मैं आईएनजी कहां से लेके आऊं, वो मैं आईएनजी चाहिए इसमें है नहीं तो पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। इसी के बिहाव पर मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समझा देता हूं। आई एम टीचिंग इंग्लिश का सेंटेंस मैं बनाता हूं, ये आई have been teaching you, I have been teaching English, मैं काफी समय से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये होगा
पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। देखो हैज के बाद आपकी थर्ड फॉर्म आएगी, ये परफेक्ट फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, आई जाएगी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रिक्वायरमेंट है, तो इनको मेरे को रखना पड़ेगा वैसे का वैसा। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इंग्लिश, किसके द्वारा पढ़ाई जा रही है, बाय मी, ठीक है। टीचिंग जो मेन वर्ब है किसमें कन्वर्ट कर देंगे, टॉट में। इंग्लिश वर्डिंग हैज आ जाएगा, कॉन्टिन्यूटी दिखानी है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसके बाद आई एन जी आता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी मैंने। ये एक्टिव वॉइस की थर्ड फॉर्म है जो यहाँ यूज की गई है, ये हैज आ गया हैव की जगह, ये बीन का बीन आ गया। अब मुझे आई एन जी चाहिए, चाहिए मुझे आई एन जी, क्योंकि आई एन जी यहाँ पे था टीचिंग में, उसको मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, टॉट में। अब मुझे आई एन जी चाहिए, मैं कहाँ लगाऊँ आई एन जी, क्योंकि दो बी की फॉर्म एक साथ तो यूज हो नहीं सकती, तो ब्लंडर हो जाएगा, कभी ना सुना ना कभी पढ़ा, ये ब्लंडर हो जाएगा। इस बीन को हटा के बींग लगा दू, यानी कि हैज बींग कर दू, ये असंभव है। इंग्लिश लैंग्वेज में हैज हैव के बाद, हैज हैव के साथ या हैड के साथ हम हेल्पिंग वर्ब पहली बार तो यूज कर देंगे वर्ब, और अगर कर देंगे तो वो थर्ड फॉर्म ही बनेगी, कुछ और नहीं बन सकती जब तक वो पॉजिटिव वर्ब्स नहीं है तब तक, तो वहां पे थर्ड फॉर्म बनेगी वो। अब वो बींग तो मैं यूज कर नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब ये आप साफ साफ समझ लीजिए, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश का जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है उसका भी फॉर्मेट एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का नो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस नहीं बनता, वैसे ही हर प्रकार के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, फिर चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट ये हैव लगा रखा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या बनेगा, हैड लगा देंगे, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या बन जाएगा, विल चल लगा देंगे, फ्यूचर पर दिखाएगा, उसका भी पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। तो आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो पूरा का पूरा टेंस है वो पूरा पूरा एलिमिनेट हो गया, उसका मैं वॉइस बना ही नहीं पाऊंगा। ये बात क्लियर हुई, ये दो फॉर्मुलास लिखे हुए थे मैंने यहाँ पर, ये एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट का फॉर्मुला है आपका, ये रहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, ये पास का फॉर्मुला वॉज वर लगा देंगे। इस वॉज या वर की या फॉर्मुलास की हमें कहीं से लेकर कहीं तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सर, हमें पता है वॉइस कैसे बनाए जाते हैं, हमें पता है कि वॉइस कैसे क्रिएट करते हैं, तो भूल जाओ कि वो किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से हमें कंफ्यूज करेगा, हमें क्या कंफ्यूज करेगा, हम उसको कंफ्यूज कर सकते हैं, हमारे पास इतनी नॉलेज है कि हम खुद अपने आप से वॉइस बना सकते हैं किसी भी सेंटेंस का। हमने फॉर्मुलाज रटे नहीं हुए, हमने फॉर्मुलाज ड्राइव किए हैं, ड्राइव तो वो अलग ही आपको नॉलेज और लेवल दे देगा। तो दैट इज वाई कि वॉइस में रट्टाफिकेशन बहुत जीरो हो जाएगा जी, रट्टाफिकेशन की कोई जरूरत नहीं होती, आप कॉन्सेप्ट से चलिए ना, कॉन्सेप्ट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे और बहुत अच्छी हेल्प करेंगे, ठीक। यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट के फॉर्मुलास लिखे हैं, मेरे लिए यूजलेस है, मैं अपनी ऑफ क्लास में कभी नहीं लिखवाता, आपके सामने आप लोग इतना नहीं है रूबरू, तो इसलिए लिखवाना पड़ रहा है इस चीज को। सब्जेक्ट हैज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मेट हम सबको पता है। पैसिव वॉइस का ये बनता है सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, हैज अ के वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है बीन, ये अलग से वर्ब बनती है जो हमें मिलती है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट तो है ही। पास्ट परफेक्ट में हैड आ जाता है, फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल हैव आ जाता है, ठीक, ये हम सबको पता है। अब देखिए मैं इसको ड्राइव करके दिखाता हूँ आपको, आई हैव टॉट यू मैनी lessons on government jobs academy, ठीक है, प्रैक्टिकल है, आई हैव टॉट यू मैनी lessons। अब इसमें अंदर मैं यू को लेकर चलता हूँ, मैनी lessons के बारे में बाद में बात करेंगे, दो ऑब्जेक्ट आ चुके हैं इसके अंदर, एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है, उसकी एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। आई हैव टॉट यू मैनी lessons, पैसिव वॉइस है, यू बाय मी और एजेंट आ गया। अब इसमें मेन वर्ब क्या थी, टॉट थी, जब ऑलरेडी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो उसको तो चेंज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वॉइस अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, वो बोलता है कि मैं तभी बनूंगा जब मुझे अपनी वर्ब थर्ड फॉर्म मिलेगी, मुझे अपनी पहचान चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अब वर्ब नहीं है मेरे पास, वर्ब की थर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या यूज कर दूंगा, बीन, यू, यू अकॉर्डिंग हैव आ गया, हैव के बाद क्या आ गया, बीन, उसकी मेन वर्ब अलग से वर्ब आ गई, पैसिव वॉइस की वर्ब बनी, यू हैव बीन टॉट, तुम्हें पढ़ाया जाता है, यू हैव बीन टॉट मैनी lessons, तुम्हें पढ़ा दिए जा चुके हैं बहुत सारे lessons, मैनी lessons, किसके द्वारा, बाय मी, ये आपका पैसिव वॉइस बनता है सर, इस तरह से परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनता है। आप रट्टाफिकेशन लगाएंगे वो कुछ एक समय तक आपके साथ रहेगा, आप उसे समझेंगे तो जब तक आपकी सांसें हैं ना, अच्छा वो बताओ अगर बचपन में एक बार साइकिल चलानी सीख ली, उसके बाद वो साइकिल चलानी मैंने 5 साल बाद साइकिल चलाई है या 10 साल बाद साइकिल चलाई है, तो मैं कभी भूलूंगा क्या उसको, कभी भूला है आपने आज साइकिल चलाना, भूला है आपने, कभी नहीं भूलोगे ना, कभी पूरी उम्र कभी नहीं भूलोगे साइकिल कैसे चलती है, क्योंकि आपको आ गई ना वो चीज, आपने रट्टा नहीं मारा ना उसका, प्रैक्टिकल था ना वो आपका, ये कहानी यहाँ पर है। एक बार समझ में आ गया ना आपको, फिर आपको कोई फॉर्मुला याद करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों,
आप बस कॉन्सेप्ट से चलिए और रिजल्ट आपका है 100%। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको इंस्पेक्टर बना दूंगा, क्योंकि मेरे बस वो मेरे 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 अंडर नहीं आता। मैं आपको इंग्लिश का विद्वान बना दूंगा, ये बात रियलिटी है। इंस्पेक्टर बनने के लिए मैथ्स भी चाहिए, रीजनिंग भी चाहिए, जीएस भी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, और राम जी का साथ भी चाहिए। लेकिन इंग्लिश की 100% नॉलेज आपको मिल जाएगी, उसमें कोई दो डाउट्स नहीं रहेगा आपको। लेकिन वो आपको साथ साथ फिर पढ़ना पड़ेगा, आपको अपनी विल से नहीं, आपको मेरे हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। मेरी मर्जी से पढ़िए, रिजल्ट अपनी मर्जी का लीजिए, वो हिसाब बनता है। तो याद रखिए, दो वीडियो जो मैंने थी बेसिक्स ऑफ वॉइस जो पढ़ा था चैप्टर सेकंड आपका, उसमें से हमने फॉर्मुलास ड्राइव किए, फॉर्मुलास कैसे बनते हैं। कोई फॉर्मुले की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट ड्राइव कर सकते हैं हर एक चीज को। बस आपको समझ में आना चाहिए दो चीजें क्या समझ में आनी चाहिए, कि जो भी एक्टिव वॉइस की मेन वर्ब है उसको मैं किसमें कन्वर्ट कर दूंगा, शाबाश, थर्ड फॉर्म में। और जो थर्ड फॉर्म होती है उसकी वीकनेस होती है, क्या होती है वीकनेस, कि हमेशा उसके साथ किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चीजें हैं तो मैं पैसिवज बना लूंगा, ये दो चीजें नहीं है तो पैसिवज नहीं बनने वाला, ठीक। अब मैं इसके एडवांस क्वेश्चंस और एडवांस लेवल डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियोस को रिवीजन करते रहिए, और जो डाउट्स वगैरह आप कमेंट्स में बता सकते हैं, वी विल ट्राई टू हेल्प यू ऑल। जय सियाराम, गॉड ब्लेस यू।